और दोस्तों क्या हाल है, आज हम फिर से खेल रहे हैं Battlefield 1। फिर Battlefield 1 में हम पिछले बार हम देख रहे थे थ्रू मड एंड ब्लड वाले, यानी कि जो थे हमारे क्या बोलते थे टैंक वाले मिशंस, उसमें हम MK5 का कर रहे थे। और फिर मतलब बेसिकली तुम देख सकते हो कि मैंने उसके बाद उसके आगे नहीं खेला है। और फिर हमने ओवर द टॉप कर लिया था MK5 ब्लैक बेयर स्मैश टू एनिमी लाइंस, और फिर फॉग फॉग ऑफ वॉर एस्कॉर्ट करने वाला, यानी कि हम लोग थे जमीन जमीन पे, और फिर हमें टैंक को लीड करना था, और फिर ये बाकी के दो जो पार्ट है मैंने किए नहीं। तो फिर अब आज हम करेंगे ट्राई फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस। तो यानी कि तुम देख सकते हो कि इसमें हमें प्लेन वगैरह उड़ाने मिलने वाले हैं। तो Battlefield 1 में एक जो बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ये है कि इसमें व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने किया है। और फिर मतलब इसका जो मल्टीप्लेयर है, मतलब मेन तो ऐसे वाले गेम्स का मल्टीप्लेयर ही होता है, क्योंकि मल्टीप्लेयर में फिर मतलब अलग अलग टाइप के लोगों के साथ हम खेल सकते हैं। और फिर मतलब कैंपेन एक टाइप से मल्टीप्लेयर को सेटअप करने के लिए एक टाइप का तुम ट्यूटोरियल मान सकते हो, अच्छे से अपने आप को तुम प्रेप कर सकते हो मल्टीप्लेयर में जाने के लिए। तो फिर इसका मल्टीप्लेयर बहुत ही बढ़िया है। और फिर मतलब तो फिर उसके मल्टीप्लेयर में क्या बोलते हैं व्हीकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और फिर जैसे कि हमने देखा हम Mark 5 कर रहे थे ऑपरेट, तो इसमें सिर्फ Mark 5 नहीं है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के हैं टैंक। तो वैसे ही इसमें शायद प्लेन्स के साथ भी होगा, इसमें ब्लिम्प भी है। There was a romance surrounding pilots, these new swashbucklers of the skies. But the reality was, most of these brave young men would eventually end up back on the ground in twisted smoking wrecks. तो फिर उसने बताया कि ज़्यादातर लोग जो क्या बोलते हैं इनमें प्लेन में तो बैठते थे और हवा में तो उड़ते थे, वो बहुत जल्दी ज़मीन पे आके गिरते थे, क्योंकि मतलब यानी कि फाइट सुपर बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। और तो उन्हीं का है मिशन। और फिर चलो ठीक है, मतलब पहला मिशन है टेस्ट फ्लाइट, टेस्ट द अनप्रूवन ब्रिटिश F2A फाइटर। और फिर हम बिल्कुल करेंगे इसे ट्राई। और फिर चलो आओ शुरू करते हैं। तो फिर तो मैं क्या बोलता था, इसमें ब्लिम्प भी है, ब्लिम्प उसे ब्लिम्प नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे GT5 की होगी आदत, हाइड्रोजन वाला जो होता है बलून वो है इसमें। और शायद इसी समय था कि ठीक है, अरे क्या लिखा है, जर्मन एयरफोर्स डोमिनेट वेस्टर्न फ्रंट, एस पायलट्स ईच क्लेमिंग स्किल ब्रिटिश स्ट्रगल्स टू कम्पीट। तो फिर हर बार की तरह वही है कि वॉर में जर्मनी बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत खतरनाक है, और फिर बाकी सब उनसे कम्पीट करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़्यादातर टेनहार में ही ख़त्म हो जा रहे थे। और फिर स्टडी फ्लो ऑफ न्यू सर्टन एयरक्राफ्ट डिजाइन रिसेंट लॉन्चेस का है अबव वाटर ऑन फ्रांस न्यू इनोवेशंस आर गैम्बल। तो फिर नए नए इनोवेशंस आते तो हैं मगर वो सब गैम्बल है, सम आर इफेक्टिव सम आर नॉट, एविएटर रिस्क देयर लाइव्स विद अनप्रूवन टेक्नोलॉजीज, दोज हु बीट द ऑड्स आर लकी आर क्वाइट लकी अडैप्ट क्विकली। तो फिर अभी हमने मिशन का नाम देखा, हम भी एक अनप्रूवन वाला टेक्नोलॉजी हम ट्राई करने जा रहे हैं। और फिर तो उस समय तो वही करना पड़ेगा क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ही खेलना पड़ता था, क्योंकि क्या पता क्या चीज़ बहुत ही अच्छी हो और फिर एनिमी के पास वो ना हो। तो सारे गेम्स में जर्मनी ही दुश्मन होता है और नथिंग टू बेट, और जर्मनी के पास हमेशा ज़्यादा बड़ी वाली टेक्नोलॉजी होती है, ज़्यादा नंबर होते हैं। जर्मन्स टेक्नोलॉजी के साथ तो हमेशा अच्छे होते थे, आज भी देखो तो उनकी कार्स वार सब कुछ इतनी बढ़िया है, और फिर टेक्नोलॉजी वगैरह में वो आगे। जैसे तुम देख सकते हो वोक्सवैगन एक, असल में तुम्हें लगता होगा कि वोक्सवैगन एक छोटी मोटी कंपनी है मगर वोक्सवैगन एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, उसने बहुत सारी छोटी कंपनी को उसने अपने अंदर लेकर रखा है। बुगाटी उसके अंडर है, लैम्बोर्गिनी उसके अंडर है। My name's Clyde Blackburn. तो ये है क्लाइड ब्लैकबर्न। And a gambler. I'm George Rackham. I'm George bloody Rackham. Listen to me. You bastard, keep off my aeroplane. तो हमने उसका एरोप्लेन चलाने के लिए लिया है, फिर किसी टाइप की बैट हमने जीत ली। फ्रेंड्स इन हाई प्लेसेस। तो फिर प्लेन उड़ाने वाले हैं।
और फिर You're George Rackham, son of the fourth Earl of Windsor. That's right. अच्छा अच्छा तो देखो हमने उसका नाम कर लिया यूज वो जो बंदा था क्या बोलते हैं उसके जो जिसके पैर बांधे थे तो अपन उसके नाम पे अपन उड़ा रहे हैं प्लेन. It was a crisp, sunny day, and everything would have been perfect had I only been alone. तो इसमें भी मुझे लगता है डॉक 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 फाइट्स होने वाली है और ठीक है तो ये क्या बोलते हैं कहाँ है प्लेन वो है वहाँ पे ठीक है तो W से आगे बढ़ रहा है और फिर माउस को पीछे ढकेलने से ये जा रहा है ऊपर. तो ज़्यादातर गेम्स माउस से ही कर रहे हैं तो इसमें ऐसे न्यू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन फर्स्टली डिप्लॉयड फ्लाइट कंट्रोल इससे हो रहा है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट. तो हमें उसके पीछे जाना है माउस सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है तो शायद वो बढ़ानी पड़ेगी अगले वीडियो में. तो यार देखो इन्होंने मैप के साइज बहुत बड़े बनाए हैं और उसके और जाना है पास में. आ भी रहे अपन वो की और दूरी दूर जा रहे हैं अपन उसके पास में आ भी रहे हैं. तो गन चलती है कि नहीं चला देखो एक बार. तो गन शायद अभी चलाने नहीं दे रहा है वो. तो यही है क्या मिशन बस उसके पास में पहुंचना है. और राकम तो अरे तो वो खुद ही नहीं आ रहा है उसके पास में तो मैं क्या करूं यार. कीप दिस डिस्टेंस ठीक है. ये इतना भर क्यों रहा था. अरे यार हद है. कोई बोलता है पास जाओ कभी बोलता है कि दूर हो. तो ठीक है वो कुछ भी गोला भर रहा है भर लें दो उसे. अच्छा 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 तो वो टाइमर था कि तो वो असल में एक टाइमर था कि कितनी देर तक हम उसके पास में परस्यूड एलाइड एयरक्राफ्ट. तो ये दुश्मन है क्या ये. अरे अरे किधर गया वो नीचे है क्या. और एक ही स्टेप पे कुछ सॉरी एकदम से लार्म आ गया. तो ये हो क्या रहे हैं तो उसे मारना है क्या. ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं एक बार क्या है. परस्यू एलाइड एयरक्राफ्ट ठीक है. शिट बच गए. अरे ये क्या आ रहा है ये क्या है. यार अपन गलत जगह आ गए हैं थोड़ा सा वहाँ जाना पड़ेगा. तो यार मुझे लग रहा है कि टाइम चलाना ज़्यादा मज़ेदार था इससे. वो पहाड़ के उस साइड है मतलब
एलाइड फोर्सेस यानी कि वही दुश्मन वाला है, अगर ये दुश्मन वाला है तो ये फायर क्यों कर रहा है? अरे ऊपर 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 ऊपर। तो ये वाला वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ कि भाई ये आखिर चल क्या रहा है। और यही डिस्टेंस मेंटेन करना है थोड़ी देर के लिए। अरे बाप रे, अरे शिट, अपन टकरा गए। अरे अरे क्लाइड ब्लैकबर्न तो मर गया, कुछ ज्यादा ही पास आ गए पहले क्या। बट दिक्कत है, एक तो या तो पास नहीं आ रहे या फिर कुछ ज्यादा ही पास आ रहे। तो उससे ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, वो कर सकते हैं ये डिस्टेंस मेंटेन मुझे लगता है। अब शायद आ जाए, उसका प्लेन अपने से अच्छा है क्या? किधर है, किधर है, किधर है, किधर गया वो? अरे बाप रे, शिट, ये दूसरी बार। अरे बाप रे, तो प्लेन जब फटता है तो तुमने देखा कि अपना कैरेक्टर बाहर बाहर आता है। तो वो जा रहा है और फिर तो ये हिंट अपने को ये मिला है कि क्या बोलते हैं कि अगर हम एयरक्राफ्ट को अगर स्लो कर ले तो अपन टाइटर टर्न कर सकते हैं, जैसे कि अभी अपन ने किया। अरे नहीं, फिर से नहीं, हद हो गई। मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, ये मेरी जो जो बकवास जो मैंने आज खेला है, अगर तुम लोग को पसंद आया तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।